तो चाल समय दूरी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप आज को बताने वाला हूं कि जब कोई ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार करती है तो आपको कैसे वो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा और फिर आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज से केवल इतना रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं इसको पूरा डिटेल के साथ कैसे हमको करना है। पहले थोड़ा समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि मैंने यहाँ कहा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ट्रेन जब इधर से आ रही है तो व्यक्ति या तो सामने से दौड़ कर आता है, या तो व्यक्ति क्या आ रहा है, सामने से आ रहा है, ठीक है। सामने से का मतलब हो गया वो विपरीत दिशा से आ रहा है, ठीक है। सामने से आ रहा है मतलब विपरीत दिशा से आ रहा है, या फिर ट्रेन इधर जा रही है और व्यक्ति भी क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। व्यक्ति भी क्या जा रहा है दोस्तों, इधर जा रहा है, मतलब समान दिशा की ओर, ठीक है, समान दिशा की ओर, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या फर्क पड़ता है। देखिए जब ट्रेन व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा हो तो आपको पता है व्यक्ति की दूरी तो नहीं होती, व्यक्ति की केवल चाल होगी, ठीक है। तो इसमें जो फर्क पड़ेगा वो चाल पर फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा दोस्तों, चाल पर फर्क पड़ेगा, चाल पर, ठीक है। चाल पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब चाल पर फर्क पड़ेगा तो क्या होगा। अब देखिए जब मैं इधर से जा रहा हूँ, व्यक्ति इधर से आ रहा है, ठीक है, तो हम एक दूसरे को बहुत ही जल्दी क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं ट्रेन लेके जा रहा हूँ, व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चाल क्या होती है, जुड़ती है। चाल क्या होती है दोस्तों, जुड़ती है, ठीक है। स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब जब मैं भी इधर ट्रेन लेके जा रहा हूँ इस दिशा में और व्यक्ति भी मेरे साथ दौड़ रहा है, तो मैं उसको पार करने में थोड़ा टाइम लगा लेता हूँ, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, चाल घटती है। केवल आपको इतना याद रखना है कि जब व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है तो चाल जुड़ेगी, और जब व्यक्ति समान दिशा की तरफ जा रहा है तो चाल घटेगी। केवल इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आपको समझ में कैसे आएगा, समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझ में कब आएगा, तब हम क्वेश्चन करेंगे। और आपको दोस्तों पता है कि हम जब चाल समय दूरी को कर रहे हैं तो हमें केवल एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि s बराबर d अपॉन t आपको याद रखना ही रखना है। इस वजह से मैं इसको पहले ही राइट कर देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। मतलब अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति बताइए। ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, व्यक्ति की स्पीड दे रखी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, हमारे पास यहाँ स्पीड को दोनों की रखना होता है, एक साथ दोनों की स्पीड हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब माइनस में कब रखनी है, तब समान दिशा की तरफ जा रहे हैं और विपरीत जा रहे हैं तो प्लस करके रखनी है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास, एक तो पूरा प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, यहाँ स्पीड हमें किस किस की रखनी है, ट्रेन की प्लस व्यक्ति की, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ ट्रेन से टी बना रहा हूँ, व्यक्ति से वी बना रहा हूँ, ठीक है। दोनों की स्पीड ऐड करके यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, लिखी जाएगी कि नहीं, बराबर डिस्टेंस मतलब दूरी 110 है, तो फिलहाल में यहाँ 110 ही लिखा जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ टाइम जो है वो 6 सेकंड है। अब देखिए ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो यहाँ स्पीड देखेंगे, स्पीड किस में है, स्पीड जो है आपकी वो किलोमीटर पर आवर में है, तो ट्रेन की स्पीड तो नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड तो नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड आप एक्स मान लीजिए प्लस, ठीक है। व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 6, तो 6 ले लीजिए, किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ ये दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 110/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट करके और आप देख सकते हैं। अब देखिए जब हम इसको क्रॉस करेंगे, 6 से ये 3 बार क्रॉस होगा, ठीक है, 5 से ये 22 बार क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का 6 बराबर का हो जाएगा 66, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी दोस्तों, ट्रेन की गति आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। आप इसी कॉन्सेप्ट से सभी को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा आपको कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए अब जल्दी बताऊंगा मैं आपको जल्दी कैसे करते हैं, ठीक है।
देखिए, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है, समांतर चल रहा है, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर देती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। अब देखिए, समान दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, स्पीड माइनस होगी, ठीक है, स्पीड माइनस होगी। तो 40 किलोमीटर पर आवर तो ट्रेन की है और 25 किलोमीटर पर आवर किसकी है, व्यक्ति की है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 25 में 40 में से 25 गया तो आपका स्पीड कितना रह गया, 15, डिस्टेंस आपसे पूछी है, ठीक है, 15 रह गई, ठीक है, 15 रह गई, और डिस्टेंस आपसे क्या हुआ, पूछी है, ठीक है, और टाइम कितना दिया है दोस्तों, 48 सेकंड। अब देखिए, 48 सेकंड टाइम दिया है, लेकिन यहाँ सेकंड में टाइम दिया तो आपको क्या है, ये स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 5/18 का, ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 से इसको काटेंगे तो 5 बार क्रॉस होगा, 3 से ये 6 बार क्रॉस होगा, 6 से ये 8 बार क्रॉस होगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 25 बराबर डी अपॉन 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 200, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आसानी से बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती, तो गाड़ी की लंबाई बताइए, गाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, अब क्वेश्चन काफ़ी क्रिटिकल है, इसमें ऑप्शन 110 दिया है, 116 से 1/2/3 दिया है, ठीक है, वो मैंने पॉइंट में लिखा है, ठीक है, तो 116.66 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और सी है 100 और डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखिए, ट्रेन की लंबाई पूछिए, आपको मैं सिंपल सा एक बात बताऊँ, अगर कभी ट्रेन की लंबाई पूछता है तो व्यक्ति की स्पीड होना अनिवार्य है, और यहाँ व्यक्ति की स्पीड नहीं दे रखी है तो आप ट्रेन की क्या लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर व्यक्ति की स्पीड नहीं दे रखी है तो आप ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, व्यक्ति की स्पीड नहीं है तो ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब व्यक्ति की स्पीड के बिना, व्यक्ति की अगर स्पीड नहीं है तो हम ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है, ये क्वेश्चन में यही था, ठीक है, ठीक है, आज इसको सॉल्व करने ना लग जाएं, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए काफ़ी लेंथी आपको बुक में करने के लिए मिलेगा, मैं आपको शॉर्ट पैटर्न से बता रहा हूँ। देखिए, एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की गति से चल रहे हैं, तदनुसार उस गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में, ठीक है, ध्यान से देखिए, मीटर में लंबाई आएगी, स्पीड दे रखी है 4 और 2 और 4 दे रखी है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो स्पीड को आप पहले ही माइनस कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट इसका समझाऊं तो आप क्या करते हैं कि ट्रेन की गति में से पहले 2 माइनस होता, ठीक है, फिर ट्रेन की गति में से पहले 4 माइनस होता, क्योंकि क्या है कि दोनों क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है, तो मैं ये करता, और ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पूछा है, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछी है आपसे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, स्पीड में से माइनस हो गया, ठीक है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देंगे, चेंज कर दिए, ठीक है। अब दोनों के डिस्टेंस के लिए टाइम अलग अलग है, एक का 9 है, एक का 10 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 1 d/10 और 1 लिखेंगे d/9, ठीक है, d/10 और d/9 लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एक के लिए टाइम, इसके डिस्टेंस के लिए, एक के लिए टाइम 9 सेकंड, ठीक है, ये आप विशेषकर इसमें याद रखें, तो ये हो जाएगा 2 × 5/18 और बराबर हो जाएगा आपका, या एलसीएम लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 9d और ये 10d, ये 10d में से 9d जाएंगे तो 1d बचेगा यहाँ, ठीक है, ये एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं,
दो से ये 9 बार क्रॉस होगा, ठीक है, तो 9 से ये 10 बार क्रॉस होगा, ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो डी बराबर 10 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, ये आंसर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर की रफ्तार में विपरीत दिशा से आ रहे मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लिया। आपसे टाइम पूछा है, कुछ नहीं पूछा है, देखिए 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति विपरीत दिशा से आ रहा है, तो व्यक्ति की जो स्पीड है वो 2 है और ट्रेन की स्पीड है 25, तो दोनों टोटल हो जाएंगे, स्पीड कितनी हो जाएगी, 27। आप ऐसे जल्दी करें एग्जाम में इसको, किलोमीटर पर आवर में और मीटर प्रति सेकंड में हमको करनी है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद डिस्टेंस जो है वो दूरी, मतलब ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी इस समय, तो कितनी है, 270, तो आप 270 यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन यहाँ टाइम कितना दे रखा था दोस्तों, आपसे पूछा है, नहीं दे रखा तो निकालना है, तो टी रख देंगे यहाँ पे, पुट कर देंगे, तो आपको पता है 270 से जो ये क्रॉस होगा तो कितनी बार क्रॉस होगा, 10 बार क्रॉस होगा, ठीक है, और 5 से 10 कितनी बार क्रॉस होगा, 2 बार क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/18 बराबर 2/T, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टी बराबर 36 सेकंड, तो टाइम आ गया। आप आसानी से मात्र सेकंडों में इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, हमारे चैनल से जुड़िए, हम सभी मैथ के चैप्टरों को बहुत ही विशेष तरीके से आपको बताने वाले हैं, ट्रिक से ही बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है और धन्यवाद अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।